Welcome once again. So let's talk about the second type of questions or second type of use of algebraic identities. What is the use? It is used in finding out the value. So evaluate करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं. आपने ये जूनियर क्लास में भी किया हुआ है. एक बार याद दिलाता हूँ, आपको टीचर ने कहा था 101 का स्क्वायर करो विदाउट क्वांटिफाइंग इट और यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी. फाइंड द स्क्वायर ऑफ 101 यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी और विदाउट मल्टीप्लाइंग इट. वन इन द सेम थिंग है ना. सो हमें क्या होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए तो मना कर दिया गया है और कहा गया है सूटेबल आइडेंटिटी यानी आइडेंटिटी की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालो. तो हमने इसको 100+1 लिखा था और इसका स्क्वायर कर दिया था. क्यों? क्योंकि नियरेस्ट जो नंबर है, जो होल नंबर है, जो इजी कैलकुलेशन करेगा वो 100+1 है. अगर मान लीजिए ये 99 का स्क्वायर होता तो आप क्या करते, बिल्कुल सही, आप करते 100-1 का होल स्क्वायर. सो 101 का स्क्वायर करना है तो 100+1 का होल स्क्वायर कर दिया था आपने. राइट, क्या होगा बेटा, आपने पक्का किया होगा, चाहे किसी भी स्कूल से, किसी भी आदेश से आए हो या सीबीएसई से, ये जरूर आपने किया होगा. तो 101 का स्क्वायर निकालना है. क्या करेंगे, 100+1 का होल स्क्वायर करेंगे. आइडेंटिटी से a² + b² + 2ab. सो सिंपली 100+1 तो 10,000 हो गया. 1 followed by 4 zeros. 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है. और 2 × 100 × 1 यानी 200 हो गया, ये हो गया 200. सो फाइनली आप इसको जब प्लस करेंगे तो आपके पास 10201 आ जाएगा. 10201 आ गया है ना. ये आपने बिकॉज 7th या 8th में करा होगा, डेफिनेटली किया होगा आप सबने. तो अब क्या, अब नया क्या है, अब नया ये है कि जब आपको स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ाई गई थी तो आपसे स्क्वायर पूछा गया था, अब आपको क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ाई जा रही है. तो इस स्क्वायर को उसने रिप्लेस कर देना है किससे, क्यूब से. तो 101 का क्यूब बताइए, उसने ये पूछा, ठीक है. अगर 101 का क्यूब बताइए तो एक तरीका तो होता है मल्टीप्लाई करने का, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, वो कहेगा इवेल्युएट और फाइंड इट्स वैल्यू यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी और विदाउट मल्टीप्लाइंग देम. सिंपल. सो बिना मल्टीप्लीकेशन के या किसी सूटेबल आइडेंटिटी की हेल्प से आप उसकी वैल्यू निकालें. तो अब जो हम पहले करते थे वही करेंगे. भाई 101 तो 100+1 ही हो सकता है और स्क्वायर की जगह अब क्यूब है. क्यूब है तो हमें आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें शायद अभी इनिशियल स्टेज पे आइडेंटिटी याद ना हो. तो ए प्लस बी का होल क्यूब जा चेक करते हैं. इसलिए मैं कह रहा था आपको इनिशियली, अभी थोड़ी देर पहले जब आपकी बात हो रही थी हमारी, तो मैंने आपसे ये कहा था कि लर्न देम रेगुलरली एंड ग्रेजुअली. मीन ऐसा नहीं कि एक दिन बैठे और बोला कि चलो 10 के 10 आइडेंटिटीज जो है वो याद करने बैठ जाता हूँ आज. लेकिन अगर एक ही दिन में सब पढ़ेंगे तो सब खिचड़ी पकेगी. इसलिए धीरे धीरे एक एक करके आइडेंटिटी याद करते हैं. सो इट इज ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस सी इज द आइडेंटिटी. ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी होती है. यानी ये फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी. आपको पहले भी अपनी बात हुई कि व्हाट आर आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज आर द शॉर्टकट ऑफ द फॉर्मूला, द रिजल्ट ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब. ए प्लस बी को 3 बार अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आएगा, है ना. सो इट इज ए क्यूब, दैट मीन 100 क्यूब. मालूम है ना, ए क्या, ए मतलब फर्स्ट टर्म, बी मतलब सेकेंड टर्म, राइट. सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 × a × b. इतने मुश्किल है ना, हम देखो बोलते ए और बी और लिखते कुछ हो रहा है. मैथ के स्टूडेंट है ना इसलिए, वरना इंग्लिश के स्टूडेंट है तो ए और बी ही लिखते. मैथ के स्टूडेंट है इसलिए हम क्या करते हैं, बोलते कुछ है और लिखते कुछ और है, राइट. सो यहाँ पे सॉरी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में क्लियर होना चाहिए. ए बी और सी का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म से है. ए क्यूब फर्स्ट टर्म का क्यूब, बी क्यूब सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 × ab, तो 3 × first term × second term और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म है ए प्लस बी, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म. देखिए ना कितना आसान है. आपने केवल आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करी. जब आपको होल स्क्वायर सिखा दिया गया था पिछली क्लासेस में तो होल क्यूब भी आप कर सकते हैं. बस करना क्या है, आपको सूटेबल आइडेंटिटी सही से लगानी है. सूटेबल आइडेंटिटी का मतलब समझते हैं,
जब क्यूब का क्वेश्चन है 101 का क्यूब निकालना है तो स्क्वायर क्या इनकी सोना लगा देंगे है ना। चलो 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है सो ये हो जाएगा अपने पास 1 × 10 लाख। ओके 1 का क्यूब हो जाता है 1 × 100 × 1 = 300 और ये 100 + 1 हो गया 101। देखिए सिंपल है, ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट नहीं खोला सॉरी, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया, 100 + 1 तो 101 होता है, 3 × 100 = 300 होता है, सो ऑन। वही बेटा यहाँ पे स्टूडेंट्स की गड़बड़ अगर कहीं हुई तो एक ही क्या चीज होगी, अगर उन्होंने बोर्ड मार्क्स नहीं फॉलो किया तो जो उन्हें 4-5 से हमें पढ़ाया जा रहा है अगर हम उसकी गलती करें तो, वरना उसके अलावा यहाँ गलत करने लायक कुछ है नहीं वैसे। ठीक है सो 1 × 100 + 1 + 300 × 101 सो 300 आंसर आ गया अपना, बिल्कुल आ गया अपने पास आ जाएगा। इसको अगर आप प्लस करेंगे तो देखिए 1 × 6 0 1 2 3 4 5 6 फिर 300 और 1, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो 1 0 3 0 3 0 1 आ जाएगा राइट। सो हमारा आंसर होना चाहिए, एक बार चेक कर लूं मैं, एडिशन सही किया ना। चले तो अपने पास आ गया 1 0 3 0 3 1 0 3 0 3 0 1 1 0 3 0 3 0 1 आंसर है राइट। कैसे निकाला, यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी वी हैव फाइंड आउट है ना। सो कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर की जगह अब क्यूब है, कोई बात नहीं, पर क्या पड़ता है, हमने जो एस में किया था स्क्वायर था, अब हमें क्यूब की आइडेंटिटीज भी याद करने को दी गई है, हमारा वर्जन जो है वो हायर वर्जन पे हम जा रहे हैं, यानी कि हमारी नॉलेज को एनहेंस किया जा रहा है। मान लीजिए हमारे पास में ये 99 का क्यूब होता तो, अगर ये 99 का क्यूब होता तो हमें मालूम है ये नियरेस्ट, जो इसकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम नंबर लेंगे वो होगा 100 - 1 का क्यूब, 100 - 1 का क्यूब। ठीक है चलो इसको ना लेकर के मैं थोड़ा सा हैवी नंबर लेता हूं, अपन सब मान लेते हैं 999 का क्यूब हमें करना हो तो, 999 क्यूब करना हो तो अपन क्या करेंगे, बिल्कुल सबसे पहले तो 1000 - 1 कर देते हैं। अगर हम इसे 1000 - 1 लिख सकते हैं तो 1000 - 1 का क्यूब। अब जरा आइडेंटिटी याद करते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी है a - b³ = a³ - b³ - 3ab a - b। ऑफ कोर्स जब हमें a + b² आता है तो हमें a - b² भी आता है, ध्यान से समझिएगा आइडेंटिटीज में, केवल साइन के चेंज, साइन का चेंज हुआ है, बाकी तो आइडेंटिटी वही है, जो प्लस में थी वही माइनस में है बस, क्योंकि अब वो a + b नहीं रहा, b+ नहीं है, इससे जहां जहां b आ रहा है वहां पे नेगेटिव होगा, क्यूब है वो भी नेगेटिव होगा, इससे a³ - b³ - 3ab a - b इज द आइडेंटिटी। ठीक है चलो a³ रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम मैथ के स्टूडेंट हैं, हमें मालूम है a³ - b³ - 3ab a - b, चेक कीजिए सिंपल है, a³ - b³ - 3ab a - b। 1000 का क्यूब कितने जीरो हो जाएंगे, 3 3 6 3 9 0 हो जाएंगे, 1000 का क्यूब किया अपन ने, -1³ - 1 - 3000 कितनी, 1000 × 3 × 1 = 3000 और 1000 - 1 = 999। चेक कीजिए आपने क्या किया, एक सिंपल सा स्टेप किया जिसमें हमने जो पावर थी उनको खत्म कर दिया राइट, क्यूब वगैरह सब खत्म करने की कोशिश करी है ना। अब आते हैं वहां पर से 1 followed by 9 zeros -1 - 3927 2 3927 9 2 3927 और 2 29 so 2997 ट्रिपल जीरो आ जाएगा मेरे ख्याल से। चेक करें कैसे 9 9 9 into 3 3927 7 2 3927
9 29 2 9 27 2 29 2 9 9 7 0 राइट। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो इन दोनों को एक बार प्लस कर लेते हैं, 1 followed by 9 zeros, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा प्लस, और प्लस वो आएगा लेकिन साइन तो माइनस कर देगा क्योंकि दोनों माइनस है ना, तो 2 9 9 7 0 1। चेक कीजिए आप, मैं इसीलिए बेबी से दे रहा हूँ ताकि आप सबको क्लियर हो कि हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं और किस तरह से वैल्यूज ला रहे हैं, राइट। तो अपने पास में 1 followed by 9 zeros और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए तो 2 9 7 0 1 आ गया, ठीक है। जरा माइनस करते हैं, उसको भी अच्छी तरह से लिख लेते हैं, रफ में करेंगे ऑफकोर्स लेकिन अच्छी तरह से लिख लेते हैं इसलिए ताकि हमें क्लियर हो कि हम कुछ भी अनोखा नहीं कर रहे हैं और स्टेप हम जितनी जगह ले सके कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, है ना। 1 followed by 9 zeros ये रहा। अब वो क्या है अपने पास में, 1 0 0 7 9 9 2 चेक कीजिए, यही है 2 9 9 7 0 0 0 1 चलेगा। जीरो में से वन माइनस नहीं होता तो यहां से शुरू हुई 2 10 9 9 9 9 9 जो बोरो करते हुए चले थे, ये 9 और ये भी 9। आप चेक कीजिए जरा, आपके पास ये हो जाना चाहिए 9 9 9 फिर 9 minus 7 हो गया आपके पास 2 0 0 7 9 9 हमारा आंसर ये होना चाहिए। चेक कर लीजिएगा बेटा आराम से सब्ट्रैक्शन, हमने 1 followed by 9 zeros से 2 9 9 7 0 0 1 को माइनस किया है तो आपके पास में 9 9 7 0 0 2 9 9 आ रहा है। अगेन अ वेरी सिंपल थिंग, क्या करना था कैलकुलेशन में, हमें 999 का क्यूब निकालना था, क्यूब निकालना था तो सूटेबल आइडेंटिटी ऑफ ए माइनस बी होल क्यूब की होगी ना, तो हमने ए माइनस बी होल क्यूब लगा दिया, राइट। इसी तरह से कुछ और इवेल्युएशन के अगर हमें क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आइडेंटिटी सही लगाइए और आइडेंटिटी के साथ साथ सॉल्व करते चाहिए, सिंपल राइट। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, आपने ये जूनियर क्लास में भी क्या होगा, 104 into 96 मल्टीप्लाई और फाइंड द रिजल्ट और फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। याद है आपको क्या किया था आपने, याद होना चाहिए, इसको लिखा था 100 plus 4 और इसको लिखा था 96 को 100 minus 4 104 को लिखा था 100 plus 4 और 196 को लिखा था, सॉरी 96 को लिखा था अपन ने 100 minus 4 राइट। अब कौन सी सूटेबल आइडेंटिटी है, ध्यान से देखिए जरा, ये है ए प्लस बी और ये है ए माइनस बी। अगेन व्हाट इज ए, द फर्स्ट टर्म 100, तो ये अगर ए है तो ये भी 100 है और ये अगर बी है तो ये भी बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट मीन्स 10,000 माइनस 16 आगे आंसर जो भी है, सिंपल ये आपने करा हुआ है, ये आपने 7th या 8th में किया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्वेश्चन है ना, ये भी आपकी बुक में, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के अंदर ही दिया हुआ है ना। सो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप आराम से कर सकते हैं, राइट। सो इवेल्युएशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं इवेल्युएट करने में, राइट। चलो अब इसके बाद के एग्जाम्पल्स मैं आपसे पूछूंगा, इससे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।